पत्रकार रवि खबर लोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। गुढ़ागुड़ जी की एक ढाणी है आपने छोटी सी मैं की ढाणी अभी बैठे है कि रातन कोई चोरी की वारदात जो हुई है या दुकान है और ये घर ही जिनमें अभी ताला तोड़ा गया ही और घर हम घुस के जो चोरी करी गई है अभी माता जी अपने साथ ही राम राम जी राम राम जी क्या क्या की ये 25,000 रुपया कर लिया सगे दुकान साफ पाटे साफ कर गए दस एक सुगरे टेंट भी लेगा दिन को मत के जाना चीज दे दी तो संभालो पहले दुकान खोलो जना के मां तो दुकान संभाली जना मैं तो ये श्यामे डब्बा पड़े ना ये देखा अण मैं तो भारे कुछ ही कोई ऊपर अगला कोठा का मान पिसा बाल्टी बाल्टी का मान डब्बो मिल गया क्यों बिक का मान है 25,000 रुपया पड़िया बस अगला लिगा काट के 25,000 रुपया कोई काम के लिए ले रहा है ना कोई काल पर स्वामी करी ही भी स्वामी के लिए ले रहा बोले अगला बाने का दे के आवांग चुका क्या आवांगा कोई का कल किराए ले आया दो तीन मकाना को और हम सरा बाप रहा बूप रहा बलेगा सगड़ा काट के और ये दुकान वो लगा हो तो बेरो को नहीं बैठा घर भी देखो कि कुछ घर भी ना अठे तो मार कोई कुछ बड़े अठे ही हल्ली में बड़े ही और ये दुकान में बड़े ही और कोई कुछ बड़े अठे तो कोई कुछ दुकान में बड़े जे कोई ताला खुलो ही हो या फिर ताला वालो तोड़ के बड़े ताला खोल तोड़ के बड़े ही ताला तो मैं दे दा के पास होया दे या ताला फिरा देखो जी ताला तोड़ के पास बड़े है मैं खुले को तोड़े हो ताला बिल्कुल। तो यह जो घटना है अभी ये दुकान को है जो ये तालो तोड़ गयो है ये तालो लगा के ये सोया है दुकान पर कौन हाजिर टाइम अठे कौन रहे ये रहेंगे अच्छा थे रहो हाँ शाम को बढ़ा दिया सुबह में 7 बजे खोला तो दिन कद की खोल लिया मान बेरो कर मान तो जार खया जो ना बेरो पटे वाला था दुकान में चोरी हो गई है क्योंकि दुकान में जो देखा मोस्टली जो सामान है वो आसपास में जो किराना को अपना छोटो मोटो सामान वो रखे जाए कि ताकि आसपास का लोग जो रहे वह शहर में ना जाके 18वीं जो शॉपिंग वगैरह कर लें। काफी लोग अपने साथ जुड़ रहे हैं अभी तो बहुत व्यापार देखा तो कड़ा सी थन की सूचना मिली क्या जानकारी जीत दी गई मतलब कुआ पर जा रहे हो जरा बेड़ा हो रहा मैं भाई यहाँ से तो मैं बोले भाई भीड़ गए हो रही है तेना बोलिया कि दुकान को तालो टूट गो या सामान चोरी हो गो तो माए जाकर देखियो कपड़ा उपड़ा सब खिंडा रखा ये दुकान में सगड़ो सामान खिंडा रखियो माए मतलब एक एक बड़ी जो बक्सा है वह बक्सा को भी पूरा सामान हटा रखियो कि कपड़ा ना झटका रखियो या साड़ी ना पाया लार को देखा 20 साल से फिर दूसरा कमरा में देखा दूसरा कमरा में भी बाइक कंडीशन बक्सा वगैरह सब बिल्कुल की दुकान को तालो तोड़ने के बाद में घर के अंदर घुस के भी है जो करे हुए है अभी सौ बड़ी चीज जो यो एक तालो जो कुछ के लाग रहे हो और ये ताला तोड़े हुए है जिके जो ने कोई अति खास अपन कोई चोट सिर्फ एक आधी चोट में यो जो तोड़े हुए है जो चोरी करने के लिए आए थे वो अपना जूता यहाँ छोड़ गए वो गिल्ले थे और दूसरा पहन के चले गए जूते यही पड़े तो गिल्ला जूता मतलब की वजह कोई शायद कोई खेत वेत के कोई खेत से आए तो रात को ओस रहती है उस ओस के अंदर से आए वो किसी खेत से कोई ने देखो काफी लोग अठे जुड़ रहे हैं कोई ने कोई प्रासंगिक कोई संदिग्ध लोग घूमता भी देखा क्योंकि गांव का आसपास में आप देखा ही है कौन लोग के घूमे हैं तो कोई पर टाइम शक भी कोई जाहिर नहीं शक तो कोई नहीं करेगा शक है कोई अच्छा डाणी को तो मार चोरी कोई को नहीं कर सका ये तड़ा आदमी कोई को नहीं डाणी डाणी कहा कि तो साईदारी ले बाहर को कोई लोग घूम रहे क्यों रेकी वगैरह करी गई हुए क्योंकि 25,000 रुपए की जगह बात करी जाए तो या तो हो सके बन कोई अंदेश हो गया अठे पीसा रखेड़ा ही तरीको ये बियो तो वैसा मन तो कोनी बेरो वैसा इतनी बातों को देख पीसा पान तो मैं बाहू कोई ना तो दे ही कोनी या आप ही काट के ले जाए ही और आप ही करें कोई बिल्कुल जो
पिसा रखा रखा है, लेकिन घर के अंदर भी लोग जो सो रहे हैं, बहू में चाल के जो देखा और बातचीत करा। ये टाइम मैं रात को सो रहा था तो मम्मी नीचे सो रही थी और ऊपर वो मम्मी मेरे को जगा नहीं, बोले आज नीचे आया क्या हो रहा। मैं नीचे रूम में आके देखा ना तो पूरा बक्सा खुला होता और सामान भी रूम में चाल के जो देखा कौन सो रूम की है। अच्छा तो आगे लोग लगा के चल के रूम के भी लोग लगा दिया। अच्छा बाहर सब का लोग लगा रखे हैं, लोग लगा दिया सामान देखा। अच्छा एक मान कोई कौन सो रहा है, बिखरा हुआ सामान था इसके अंदर। इन कौन सो रहे हो, इसमें कोई नहीं था, ये रूम बंद था। फिर इसको खोल कर सामान वगैरह निकाले, फिर इधर डब्बे वगैरह पड़े थे, इसमें वो चांदी की वो बच्चे की वो पाँच जेब वगैरह थी, वो रिंग वगैरह थी इसमें थी वो अंदर, वो निकाल के ले गए ये सामान, ऐसे छोड़ के इधर चले गए। अभी तक जो देख रहे हैं सामान है पूरा अभी अठे रूम में बिखरे हुए पड़े है, क्योंकि अभी पुलिस वुलिस आके जो देख के गई है, जांच वगैरह करी है। सब बड़ी चीज यह है कि एक मान कोई कीमती सामान है जो अठेबान कुन मिलो, और एक बाद में शायद दूसरा कोई रूम में प्रयास वगैरह करो, सामने रूम में भी कमेन भी पूरा जो थे मेरे का ना जो थे, दो पाजेब की जोड़ी थी, दो पाजेब की जोड़ी थी, बच्ची थी पुरानी बच्ची थी, और था एक 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 बर थे के सामान, इसमें चांदी की पाजेब थी दो, तो रिंग वगैरह थी और चांदी की, वो यहाँ डब्बे में पड़ी थी, वो निकाल के ले गए और बाकी सामान ये खिंडा के चले गए। यहाँ से पुरानी मच्छी वगैरह थी इधर, पुरानो सामान एक मान जो बड़ो कोई कीमती सामान, कीमती सामान तो चांदी की वो थी, पाजेब थी और कुछ नहीं थी इधर। तो अब जो एक मान घुसन के लिए दुकान में ताड़ो तोड़ के फिर कैसे जो अंदर अंदर बाहर से पेड़ी है, पेड़ी से ऊपर छत पे चढ़ी आए थे वो, उधर पूरी उधर एक रास्ता और पेड़ियों का अंदर बैठे थे, उसको रूम को चेक किया उधर से चेक कर उसको कुछ नहीं मिला, फिर यहाँ पर आए, फिर इसको अंदर से वो लगा दिया, उसको बंद कर दिया रूम को बंद करके, इसको खोला, फिर यहाँ से वो लेके चले गए। फिर मेरे बार पर थे सूज पड़े थे, सूज को पहले अपने वाले गिले वाले छोड़ गए और मेरे वाले वो लेके चला गए उधर से। बिल्कुल अठा तक की देखा कि हौसला ही तरीका कहा चोर का कि आराम तो आगे रूम में ही, और सामान वगैरह चेक करियो है, अगर एक मान कुछ नहीं मिलो है तो सब पूरा सामान है जो उठे छोड़ के चला गए ही, तो सामान है अभी ये तरीके में बिखरे पड़े है, और काफी टाइम जो देखे थे चोर ही जो आराम निकले ही। चोर जो आए ही दुकान को ताड़ो भी तोड़े, अरबी के बाद में कठी की आके घुसे, देखो कने सारा कठी घुसे ऊपर का ही कठी ठीक लाया को यहाँ गेट हो गया को नीचे लकड़ी दे रहा के बीच में फूकने दे रहा की गिर लाकम है। तो जय देखो कि मेन रास्ता में क्या आया को नहीं, हाँ। दूसरा रास्ता होके आया ही, हाँ। तो वो चोर जो है कि दूसरा रास्ता भी जाना है, जने तो उठी गया कि गुस्सा बढ़िया तो क्या हमने आयो है कठे के आए वैसे लोग मेरे को नहीं मानना, तो के देखो अभी एफआईआर करवाई है कि तो के मांग करो जो है प्रशासन नु पुलिस नु के मांग करो कि के मदद है एक मान करी जाए पकड़े जा तो पाजे लेगा मोड़ लेगा मछली लेगा और मेरे को ने देखे इतना हो गया सामान थेकड़े सी सो रहा नहीं मैं सोती ही तीन में तीन जना, हां मैं तीन जना सोते हैं भाई, हां तो तने ये चीज को देवे को मा तो खुद कोई कौन सुनियो आवाज ही कौन सुने ना, तो मैं तो उठू ही तो को ऊपर सो मो तले सो आवाज ही कौन सुनी मान। बिल्कुल देखा जठा तक हम बात करी जा रही है कि मैन जो रास्ता है बैठे हूँ जो लोग हैं या जो भी चोरी करी है वे कौन घुसे हैं दूसरा रास्ता होके आए हैं, तो एक जठा तक यह चीज देखी जा रही है कि अगर दूसरा अल्टरनेट रास्ता होके आ रहे हैं तो वो उसके की रास्ता को मन पतो है या फिर पहली जो भी चीज में हो उसका रेकी करी गई है, तो ये चीज पर है कि रिक्वेस्ट है प्रशासन कि इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दियो जाए और ध्यान दे के जो माहौल जो अभी हो रहे है काफी डर लोगा मटे फैल रहे है, क्योंकि एक घटना जो इल्जाम दियो जाए और भी के बाद में कोई कार्रवाई नहीं करी जाए तो सोचनी विषय ही, हालांकि सब बड़ी चीज यह है कि कोई कीमती सामान अगर अठे नहीं मिलो बने थोड़ा बहुत सामान जो दुकान में हो वो अठाओं पे निकाल के लेके गए ही, तो उसके आसपास में आगे दोबारा ये की घटना है कि बाकी पुनरावृत्ति न हो, बिकले है कि प्रशासन ये रिक्वेस्ट है कि चीज पर ध्यान दियो जाए और ध्यान दे के जल्दी जल्दी जो आरोपी है बन गिरफ्तार करे जाए। मेरे एक मन में एक डर हो कि शायद बागन कोई हथियार हुआ है मारे कुटी जेबी ने फालतू में इडियम बागन पूछ सबसे पहले बात क्या करना है जान बेटर हुए तो आसपास में कोई ने जी टाइम फोन जी टाइम में को कोई मेरे दिमाग में बने मैं खुद भी चीज में घबरा गया मैं एक बार। अच्छा पता तो चालू हो गया घटना 3 बजे की घटना है, हाँ। मैंने पूरा एहसास हो कि हाँ कोई ना कोई घर में है, हाँ। लेकिन एक एक मेरे मन में वो भी होगी कि शायद बिल्ली होगी क्योंकि हर बार यो बिल्ली कोई मैटर हुआ
लेकिन लास्ट में जब सुबह देखा घर का मेरे लोक लगा दिया अभी चोर जो है मेरे खुद का रूम का लोक लगा, हर कमरे का लोक लगा, लोक लगा दिया मेरा छोट गया भाई का रूम का लोक लगा दियो, लोक ही लगा दियो मेरा रूम का ताला कठो मिला बन ताला ताड़ो सागड़ी है ताड़ो अड़े साइड में रहे लगा दिया। सुबह मेरे तो ताई जी हो रही है भाभी जी हो रही है खुदा ही खुदा हाँ जी जी अंदर सामान। ये जो एक और रूम बताया जा रहा है इकमान भी देखा कि वो सामान निकल गयो है और अभी भी एक ए कोई पड़े हुए इकमान कि अलग अलग चीजें हैं जो निकाल के देखी गई हैं। प्रयास करे गए कि अठे भी कुछ मिले। अब राजेश राजेश भाई जी एक मिनट कि अठे की गुस्सा ही मतलब काफी टाइम जो निकाले हुए कठे की अठे कठा तक पूछे हैं चोर अड़ा तक यहाँ पूछे की जो सामने बस सीढ़ी है बस सीढ़ी को गेट खुल्लो हो मैं इतना अनुमान लगा सकूँ ये बस सीढ़ियां मकर आई और ये आया है तो बाहर से आए ही और आराम से चोर जो रास्ता रास्ता गए रास्ता में जो बड़ी लकड़ी ही जो फूकनी होया कर है वह भी रख रहा है कि अगर कोई उठ भी जा तो बने बगार अब मार्स का इसलिए पूरा समाधान रखा रहता है वो पूरी सावधानी भी अगला भी अपनी तरफ से पूरी सावधानी से आया है और जबकि हमारे हिसाब से लगा कि शायद एक कोने भी पाँच चार हाँ एक ग्रुप का आदमी है जो पांच चार कोई पर सक कोई पर नहीं, लागे तो, की नहीं अपने पहली कोई मेरा नूना डाने में तो मैं मान के चलूंगा शायद ही कई साल से या पहले वही है कि नहीं हुई मैंने कुछ लेकिन मतलब कई साल से फर्स्ट बार देखिए अगर ना तो के अभी और मैं सबसे सबसे बड़ी बात प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा इस चीज के लिए कि साहब जितना जल्दी हो सके इन चोरों को आप पकड़े क्योंकि ये तो मेरे घर में ही है। गाँव में सब लोग ऐसे भी हैं कि अकेले भी रहते हैं कोई कहाँ रह रहा है कोई कहाँ रह रहा है इसलिए निवेदन है कि इन चोरों को जल्द से जल्द पकड़े और इस पे कानूनी कार्रवाई करें। बिल्कुल जेठा तक देखा कि काफी बड़ो परिवार है दो हेली ही जो बड़ी हेली आपने समझ रहा होगा दर्शक आप बतावा बने कि काफी दो परिवार तीन परिवार भी आराम उठे जो रह सके हैं तो बिक माइन काफी टाइम स्पेंड करके अठे एक एक चीज घर का जो गेट बंद करा गया है ताकि कोई बाहर न निकले और ये तरीकाओं है जो रास्ता ही पूरा रास्ताओं पर जाने की कठी की उतरना है कठी की चढ़ना है। तो जेठा तक मेरो आइडियो अगर काम कर रहा है और एक ये चीज में देखा तो चोर है वो बिल्कुल आ चीजों वाकिफ है कोई दूसरो बार को या फिर और कठों को नहीं आया और शायद ये पांच चार दिन पहले देख के गया पूरा माहौल देख के गया है तो कोई आए हो या कोई लोग कोई क्योंकि अभी हमारे 31 तारीख ने एक मंदिर को प्रोग्राम कराया है तो प्रोग्राम में एक तारीख की स्वामी ही 31 को प्रोग्राम हो तो उसके दौरान शायद कोई आ जा या फिर आए हो जो पूरा माहौल चेक करके गए हैं तो इस हिसाब से शायद वे अपनी चोरी की वारदात में। अच्छा अभी कार्रवाई पुलिस वगैरह की आगे अभी अभी हम पुलिस के पास में गया था अभी तो वहाँ पे काफी लोग इकट्ठे हुए थे तो उन्होंने मेरे को टाइम दिया है कि आप आधे घंटे में आके अपना कार्रवाई है वो पुलिस FIR करवा दीजिए बाकी मैं लिखित में मैंने उनको दिया हूँ देव सिंह जी को दिया हूँ। बिल्कुल जी FIR वगैरह करवा दी गई है। अब उद्देश्य यही है कि अपना जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं सावधानी बरतें सतर्क रहें क्योंकि सर्दी के टाइम में हर कोई है जो अंदर सोए तो बारह परिवार में घर में जो भी एक ही घटना हो तो थोड़ा सा विकमान सावधानी बरती जाए। थारा भी आसपास में अगर कोई भी एक ही घटना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ताकि बैठे भी पूछा और प्रयास करें कि एक ही चीज़ जो एक की जो घटना ही बने रोकी जा सके। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू जय राजस्थान जय हिंद।